नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। कल हमने लिस्ट ग्रुप देखे दोस्तों, लिस्ट ग्रुप की डेफिनेशन, लिस्ट ग्रुप के कुछ क्लासेस देखे, कैसे लिस्ट ग्रुप आप आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो और उसका आउटपुट कैसे आएगा। फिर बाद में आता है दोस्तों एक्टिव लिस्ट, एक्टिव स्टेट लिस्ट ग्रुप, वो भी हमने देखी, उसकी डेफिनेशन देखी दोस्तों हमने। उसकी डेफिनेशन देखने के बाद में उसके क्लासेस आप कैसे आपके प्रोग्राम में, आपके वेब पेज में यूज कर सकते हो और उसका क्या आउटपुट आएगा, उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको कल दिखाया था। और फिर बाद में हमने लिंक विथ लिस्ट ग्रुप, ये भी कॉन्सेप्ट देखे दोस्तों हमने, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन, फिर बाद में उसका एग्जांपल देखा, फिर बाद में उसके क्लासेस कैसे आप आपके वेबसाइट में, कैसे आप आपके प्रोग्राम में यूज कर सकते हो और उसका एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा और उसका वेबसाइट पे क्या इंपैक्ट गिरेगा, वो भी हमने देखा था दोस्तों। तो आज हम वीडियो में देखने वाले दोस्तों डिसेबल आइटम, ये कॉन्सेप्ट देखने वाले दोस्तों। ये भी एक लिस्ट ग्रुप का ही कॉम्पोनेंट है, आप इसको यूज करके आपके जो कंटेंट रहेंगे उसको आप डिसेबल कर सकते हो। आप यूजर को, आप जो कस्टमर रहेंगे, आपके जो विजिटर रहेंगे वेबसाइट पे, जो विजिट करेंगे, जो बंदे रहेंगे आपके, तो उनको जो आप ये डिसेबल आइटम जब आपके वेबसाइट पे यूज करोगे तो वो वहाँ पे डिसेबल आइटम, मतलब बस आप उनको ये कंसेप्ट, वहाँ पे डिसेबल आइटम ये कंपोनेंट है ना दोस्तों लिस्ट ग्रुप का, ये बस उनके सामने शो हो जाएगा। मतलब जब आप उनको कुछ दिखाना है, कुछ रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप ये यहाँ पे डिसेबल आइटम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर होगा क्या दोस्तों, आप जब ये क्लास आपके प्रोग्राम में, आपके वेब पेज में जब यूज करोगे, तो जब आपको अगर कौन से भी लिस्ट को, कौन से भी कंटेंट को अगर डिसेबल करना है, तो आप ये डिसेबल आइटम ये क्लास यूज करके उसको डिसेबल कर सकते हो। तो कोई भी यूजर, कोई भी बंदे, जो कोई भी विजिटर आपके वेबसाइट पे जब जाएंगे, जब वो आइटम पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म होंगे ही नहीं दोस्तों। तो ये क्लास और ये कंसेप्ट यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किया दोस्तों, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। टू यूज डॉट डिसेबल क्लास एड्स अ लार्जर टेक्स्ट कलर टू द डिसेबल आइटम व्हेन यूज्ड ऑन लिंक्स दैट विल रिमूव द होवर इफेक्ट। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जब आप ये डॉट डिसेबल क्लास आपके वेबसाइट में आप जब यूज करते हो, तो वहाँ पे होता क्या है दोस्तों, जो लाइटर टेक्स्ट कलर रहता है ना दोस्तों, वो आपके कंटेंट को, आपके जो डिसेबल क्लास रहेगा दोस्तों इसमें का, तो आप वहाँ पे आपके वेब पेज में यूज कर सकते हो। जब आप ये क्लास आपके वेबसाइट में जब यूज करते हो, तो इसमें होगा क्या दोस्तों, व्हेन यूज ऑन लिंक्स, मतलब जब आप यहाँ पे अगर आप ये डिसेबल क्लास आपके लिंक पे अगर यूज करते हो, एंकर टैग में आप लिंक पे यूज करते हो, तो वहाँ पे रिमूव द होवर इफेक्ट, मतलब जो होवर इफेक्ट रहेगा ना दोस्तों, जो हमने कल देखा था, तो वो होवर इफेक्ट वहाँ पे रिमूव हो जाएगा, वहाँ पे डिसेबल हो जाएगा, वो एक तरीके से वो अपीयर ही नहीं होगा दोस्तों। मतलब जो विजिटर रहेंगे आपके वेबसाइट के, वो वहाँ पे क्लिक कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए, आपके सामने दिया है दोस्तों, ये ऐसा एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर आपको ये डिसेबल कंसेप्ट आपके वेबसाइट में अगर यूज करनी है, तो उसके कुछ क्लासेस आपको यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लासेस भी दिया आपके लिए। आपको ड्यू क्लास के अंदर सिंपली लिस्ट डैश ग्रुप या क्लास यूज करना पड़ेगा दोस्तों। फिर बाद में एंकर टैग में मैंने यहाँ पे लिस्ट यूज की है, जैसे कि लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम, ये क्लास यहाँ पे यूज किया दोस्तों। फिर बाद में इसको मैंने डिसेबल, ये क्लास यूज करके जो कंटेंट है, डिसेबल कंटेंट यहाँ पे अपीयर किया, यहाँ पे शो किया दोस्तों आपके सामने। फिर बाद में आपको जिसको भी, जो भी कंटेंट रहेगा आपका लिस्ट ग्रुप में, उसको अगर आपको डिसेबल रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो एंकर टैग में जो मैंने दो कंटेंट डाले हैं, दो लिस्ट यहाँ पे अपेयर की है, तो इसको मैंने यहाँ पे डिसेबल शो किया है। अगर आपको, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अगर किसी भी कंटेंट को, किसी भी लिस्ट को अगर डिसेबल अपेयर करना है, डिसेबल शो करना है, तो आप ये डिसेबल क्लास यूज करके आपके वेबसाइट में ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो दोस्तों। फिर बाद में आता है दोस्तों फ्लश रिमूव बॉर्डर्स, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं दोस्तों। टू यूज द डॉट लिस्ट डैश ग्रुप फ्लश क्लास टू रिमूव सम बॉर्डर्स एंड राउंडेड कॉर्नर्स, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, जब आप ये फ्लश रिमूव बॉर्डर्स ये क्लास, ये कंसेप्ट आपके बूटस्ट्रैप में जब यूज करोगे, तो इसमें होता क्या है, जो आपके बॉर्डर्स रहेंगे, जो राउंडेड कॉर्नर्स रहेंगे ना दोस्तों आपके जो लिस्ट ग्रुप के, वो डायरेक्टली यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पे ये जो फ्लश डॉट लिस्ट ग्रुप के अंदर फ्लश ये क्लास जो रहेगा, वो आपको यूज करना पड़ेगा। इसमें मतलब आप CSS यूज करके भी इसके जो बॉर्डर्स और जो राउंडेड कॉर्नर्स रहेंगे वो रिमूव कर सकते हो, पर यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने डायरेक्टली उसका एक क्लास प्रोवाइड किया, डायरेक्टली डॉट लिस्ट डैश ग्रुप डैश फ्लश, ये क्लास यूज करके आपके वेबसाइट में आपको अगर लिस्ट ग्रुप अपेयर करनी है, आपको अगर लिस्ट ग्रुप के जो बॉर्डर्स रहेंगे, जो राउंडेड कॉर्नर्स रहेंगे, वो अगर आपको रिमूव करने हैं, वो फ्लश करने हैं आपको, तो आप ये क्लास यूज करके आपके वेबसाइट में ये रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। फिर बाद में इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए दिया है, आप जब ये क्लास आपके वेबसाइट में अगर यूज करते हो, तो इसका जो इफेक्ट आएगा,
तो यहाँ पे उसका जो आउटपुट रहेगा वो इस टाइप में रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम ये डाला है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए कुछ क्लासेस यूज किए, वो क्लासेस देखते हैं दोस्तों। आपको अगर ये फ्लश और रिमूव बॉर्डर्स आपके वेबसाइट में अगर यूज करना है तो आपको सिंपली यूअर क्लास के अंदर लिस्ट डैश ग्रुप डैश लिस्ट डैश ग्रुप डैश फ्लश ये कंसेप्ट, ये क्लास आपको यूज करना पड़ता है दोस्तों। फिर बाद में एलआई के अंदर आपको सिंपली एलआई क्लास देके फिर आपने लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम ये क्लास यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने कंटेंट भी दिए दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट आइटम हो गया, फिर बाद में सेकंड आइटम हो गया, फिर बाद में थर्ड हो गया, फिर बाद में फोर्थ हो गया दोस्तों। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल आप लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये क्लास यूज किया दोस्तों फ्लश। अगर आप फ्लश ये क्लास आपके वेबसाइट में जब आप यूज करोगे तो जो बॉर्डर्स रहेंगे दोस्तों आपके लिस्ट ग्रुप की और जो राउंडेड कॉर्नर्स रहेंगे वो टोटली रिमूव हो जाएंगे दोस्तों। इसका इफेक्ट यहाँ पे ऐसे आएगा दोस्तों, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी डिजाइन के हिसाब से आप ये क्लास यहाँ पे यूज कर सकते हो दोस्तों। फिर बाद में आता है दोस्तों हॉरिजेंटल लिस्ट ग्रुप। अगर आपको जो आपके लिस्ट ग्रुप रहेंगे उसको हॉरिजेंटल में शो करना है, जो हमने देखे थे अभी वो वर्टिकल में थे दोस्तों। अगर आप वर्टिकल में नहीं चाहते कि जो यूजर रहेंगे, जो विजिटर रहेंगे, अगर क्लाइंट नहीं चाहते कि आपके जो लिस्ट ग्रुप रहेंगे वो वर्टिकल में शो हो, वो हॉरिजेंटल में वो चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है वैसी, तो आप यहाँ पे हॉरिजेंटल लिस्ट ग्रुप ये क्लासेस यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ यू वॉन्ट द लिस्ट आइटम टू डिस्प्ले हॉरिजेंटली इंस्टेड ऑफ वर्टिकली, सो यू कैन एड दी डॉट लिस्ट डैश ग्रुप डैश हॉरिजेंटल क्लास टू डॉट लिस्ट डैश ग्रुप। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको जो लिस्ट रहेंगे, आपके जो लिस्ट ऑफ आइटम्स रहेंगे वो आपको अगर वर्टिकल में नहीं शो करने हैं, इंस्टेड ऑफ हॉरिजेंटली आपको अगर शो करने हैं आपके वेबसाइट में, तो आप ये हॉरिजेंटल क्लास आपके लिस्ट ग्रुप ने प्रोवाइड किया, आपके बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किया दोस्तों, ये क्लास यूज करके आप आपके वेबसाइट में हॉरिजेंटली लिस्ट ग्रुप अपीयर कर सकते हो, शो कर सकते हो दोस्तों। तो इसके यहाँ पे कुछ क्लासेस यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड दी है, इसका एग्जांपल भी मैंने आपके सामने दिया है दोस्तों। जब आप ये हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट, हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप ये कंसेप्ट आपके जो वेबसाइट में आप यूज करोगे तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो इस टाइप में आएगा दोस्तों। जो वर्टिकली आइटम हमने देखे थे अभी, तो जो आप अगर हॉरिजॉन्टल में शो करना चाहते हो, अगर क्लाइंट की नीड है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जो मेरी लिस्ट ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल में अपीयर हो जाए, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो दोस्तों। तो आपके जो कंटेंट रहेंगे, आपके जो लिस्ट ग्रुप रहेंगे, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल में इस टाइप में अपीयर हो जाएंगे दोस्तों। फिर बाद में उसके कुछ क्लासेस है, ये क्लासेस यूज करके आप आपके हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको सिंपली यूएल क्लास में लिस्ट डैश ग्रुप या हॉरिजॉन्टल क्लास आपको यहाँ पे अपीयर करना पड़ता है, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है दोस्तों। फिर बाद में आप लिस्ट ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे शो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम और फिर बाद में फोर्थ आइटम ये लिया है दोस्तों। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल आइटम भी ले सकते हो दोस्तों, और जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो आउटपुट रहेगा इसका, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों। फिर बाद में आता है दोस्तों कॉन्टेक्स्चुअल क्लासेस। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये भी एक लिस्ट ग्रुप का ही टाइप है दोस्तों, लिस्ट ग्रुप का ही कंपोनेंट आप समझ सकते हो, लिस्ट ग्रुप का ही कंपोनेंट है दोस्तों ये। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। कॉन्टेक्स्चुअल क्लासेस कैन बी यूज टू कलर लिस्ट आइटम्स, द क्लासेस ऑफ कलरिंग लिस्ट डैश आइटम आर लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश सक्सेस। फिर बाद में आता है दोस्तों लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश सेकेंडरी। इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड किए दोस्तों। अगर आपको लिस्ट ग्रुप में मल्टीपल कलर्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर यूज करने हैं तो आप लिस्ट ग्रुप में ये कॉन्टेक्स्चुअल क्लासेस जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों वो यूज कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ क्लासेस प्रोवाइड किए, कुछ कलर प्रोवाइड किए, कलर कॉम्बिनेशन आप आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो, जैसे कि प्राइमरी हो गया, फिर बाद में सेकेंडरी हो गया, फिर बाद में इन्फो हो गया, फिर बाद में वार्निंग, फिर बाद में डेंजर, प्राइमरी, ये जो क्लासेस दिए है ना दोस्तों, डार्क हो गया, ये जो क्लासेस दिए है ना दोस्तों, तो ये क्लासेस यूज करके आप लिस्ट ग्रुप में आपके कलर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसका एग्जांपल भी मैंने आपके लिए दिया है। अगर आप ये क्लासेस अगर आपके वेबसाइट में अगर यूज करते हो तो इसका एग्जांपल इस टाइप में आएगा, इसका जो आउटपुट रहेगा वो इस टाइप में आएगा दोस्तों। अगर आप सक्सेस क्लास यूज करते हो तो सक्सेस के अंदर आपको पता है ये ग्रीन कलर अपेयर हो जाता है, फिर बाद में सेकेंडरी यूज करते हो, सेकेंडरी में ग्रे कलर अपेयर हो जाता है दोस्तों। फिर बाद में इन्फो आइटम में जो क्लास हमने यूज किया है, अगर वो क्लास आप आपके वेबसाइट में अगर यूज करते हो तो इसका जो कलर रहता है दोस्तों वो लाइट ग्रीन वहाँ पे अपेयर हो जाता है, फिर बाद में वार्निंग के अंदर ऑरेंज हो जाता है, फिर बाद में डेंजर में रेड हो जाता है,
ऐसे कलर कॉम्बिनेशन आपके नीड के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये कॉन्टेक्स्चुअल जो कंसेप्ट दिया है ना दोस्तों बूटस्ट्रैप ने, ये यूज करके, ये क्लासेस यूज करके आपके लिस्ट में ये कलर आप प्रोवाइड कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको ये क्लासेस आपके बूटस्ट्रैप में डालने हैं, आपको बूटस्ट्रैप ने यूज करने हैं, तो इसके मैंने कुछ क्लासेस भी दिए आपके लिए। आपको सिंपली यूएल टैग के अंदर लिस्ट डैश ग्रुप, ये जो मेन जो पेरेंट क्लास रहता है दोस्तों लिस्ट का, तो वो आपको अपेयर करना पड़ता है, आपको डिफाइन करना पड़ता है दोस्तों। फिर बाद में लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ पे मैंने डाली आपके लिए। अगर आपको ये क्लासेस यूज करने हैं, तो आपको ये जो क्लास दिया है ना दोस्तों मैंने, अगर आपको कॉन्टेक्स्चुअल क्लासेस ये प्रोग्राम में आपके यूज करने हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम, फिर बाद में लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश सक्सेस, फिर बाद में हो गया सेकेंडरी, फिर बाद में हो गया इन्फो वार्निंग, ये क्लासेस यूज करके आप आपके कॉन्टेक्स्चुअल लिस्ट ग्रुप को अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिव और भी ज्यादा इसमें बना सकते हो दोस्तों। इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो, आप आपके नीड के हिसाब से कलर यहाँ पे अपेयर कर सकते हो, ये क्लासेस यूज करके आप यहाँ पे चेंजेस आप कलर में कर सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, आज हमने देखा कॉन्टेक्स्चुअल क्लासेस, कॉन्टेक्स्चुअल लिस्ट क्लासेस, फिर बाद में आता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप क्लासेस, फिर बाद में फ्लश भी देखा हमने, फ्लश रिमूव बॉर्डर्स आप कैसे रिमूव कर सकते हो ये क्लास यूज करके, फिर बाद में डिसेबल आइटम के अंदर हमने, अगर आपको डिसेबल क्लास आपकी वेबसाइट में अगर यूज करना है, तो डिसेबल क्लास यूज करने के बाद में उसका इफेक्ट क्या आएगा, फिर बाद में यहाँ पे कुछ क्लासेस भी दिए डिसेबल के, आप कैसे आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो वो हमने देखा दोस्तों। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा।